हरियाणा सरकार की तरफ से फरीदाबाद को एक बड़ी सौगात मिली है और फरीदाबाद में चाइल्ड मदर एंड चाइल्ड केयर यूनिट बनाने की एक घोषणा सरकार की तरफ से पहले की गई थी, अब उसको अमली जामा पहनाने के लिए मंजूरी भी दे दी गई है। किस तरह से ये यूनिट होगी, कहाँ बनेगी, इसको लेकर हमारे साथ में जो कि फरीदाबाद के CMO हैं डॉक्टर विनय गुप्ता, उनसे बात कर लेते हैं। सर, फरीदाबाद को हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से बड़ी सौगात माने इसे? हाँ जी, 31 तारीख को इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल आ गई है और ये लेटर PWD डिपार्टमेंट को दे दिया गया है। वो अभी इसको बनाने की प्रक्रिया जल्दी शुरू करेंगे। इसके अंतर्गत 200 बेड का एक अस्पताल बनेगा जिसके अंदर बच्चे और बच्चा दोनों का इलाज किया जाएगा, एक ही रूप के अंदर इनका इलाज किया जाएगा, जिससे शॉर्टेज ऑफ बेड यदि कोई होती है तो वो नहीं होगी और लोगों को एक ही रूफ के अंदर सारी सुविधा उपलब्ध होगी। इसके अंदर एसेप्टिक लेबर रूम फैसिलिटी फॉर HDU हाई डिपेंडेंसी यूनिट भी बनेगी, किचन भी अवेलेबल होगी जिसके थ्रू उनको गाइड भी आएगी और डिग्री के जो स्टूडेंट आएंगे उनको पढ़ाई भी कराई जाएगी इसके अंतर्गत, और नंबर ऑफ OT ज़्यादा होंगे जिससे किसी को किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। और एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिससे लोगों को बहुत फ़ायदा होगा और ये BK अस्पताल के अंदर ही ये यूनिट बनाई जा रही है जिसका निर्माण जल्दी ही शुरू होगा। जल्दी निर्माण शुरू हो जाएगा क्योंकि सर शहर की आबादी करीब 30 लाख के करीब पहुंच चुकी है, कितनी जरूरत थी इसकी कि ये अलग से यूनिट बनाई जाए? इसकी बहुत जरूरत थी। अभी पीरियडिक वार्ड हमारा लेबर रूम के साथ ही है लेकिन इसके अंदर यदि एक साथ दोनों चीजें उपलब्ध हो जाएगी तो मदर एंड चाइल्ड की केयर भी अच्छी तरह हो सकेगी और उनका इलाज भी अच्छी तरह हो सकेगा और डिलीवरी भी अच्छी तरह से की जा सकेगी। आप कह रहे हैं कि 200 बेड का ये होगा, अलग से क्या BK हॉस्पिटल में जगह है इतनी जहाँ इसको बनाया जा सकता है? हमारे जो पुरानी बिल्डिंग है जो कंडम खरीदी गई है उस जगह को तोड़ के उस जगह के ऊपर यह यूनिट बनाई जाएगी और लोगों को ये बहुत ही बड़ी सौगात हरियाणा सरकार ने दी। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में डॉक्टर विनय गुप्ता जो फरीदाबाद के CMO है, जिनकी तरफ से साफ कहा गया है कि ये सिविल हॉस्पिटल में ही इस बिल्डिंग का निर्माण होगा और 200 बेड का ये मदर एंड चाइल्ड केयर यूनिट बनने जा रही है। कह सकते हैं फरीदाबाद के लिए एक सरकार की तरफ से बड़ी सौगात है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज।